सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म की कहानी एक रॉय एजेंट की है, जिसे हम एक ऐसा अनसंग हीरो भी कह सकते हैं, जिसकी जामबाजी, सूझबूझ और साहस हाईजेक हुए एक प्लेन के न केवल पैसेंजर बचा लिए जाते हैं, बल्कि उस प्लेन को अगवा करने वाले आतंकवादियों को भी पकड़ लिया जाता है। फिल्म की पृष्ठभूमि 80 के दशक की है, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस भूमिका को लारा नई निभाया है हुआ करती थी। यह वो दौर था जब देश एक के बाद एक करके लगातार कई हाईजेक्स का शिकार हो चुका था। एयरप्लेन के इन हाईजेक्स में देश को निगोशिएशन के दौरान आतंकियों को यात्रियों की जान के एवज में करोड़ों रुपए की मोटी रकम तो देनी पड़ती है, मगर साथ ही हर बार भारतीय जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को भी रिहा करना पड़ता है। ऐसे ही एक हाईजेक में जब मल्टीटास्किंग अंशुल मल्होत्रा, अक्षय कुमार अपनी माँ डॉली अहलूवालिया को खो देता है, तो उसका वही दर्द उसे रॉय एजेंट बनने को प्रेरित करता है। हालांकि राधिका वाणी कपूर से लव मैरिज करके खुशहाल जिंदगी बचाने वाले अंशुल ने कभी नहीं सोचा था कि वह रॉ में बेल बॉटम के कोड नेम से देश की बीड़ा उठाएगा और इन हाईजेक्स में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईएस की भूमिका का पर्दाफाश करेगा। लखनऊ सेंट्रल फेम निर्देशक रंजीत एम तिवारी को अक्षय कुमार की तमाम खूबियों का अंदाजा था और उन्होंने उसे अपनी कहानी में खूबसूरती से पिरोया। फिल्म का फर्स्ट हाफ कहानी और किरदारों को डेवलप करने के चक्कर में थोड़ा स्लो लगता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी का थ्रिलर एस्पेक्ट फिल्म को मजबूत बनाता है। फिल्म के दूसरे भाग में कई टर्न और ट्विस्ट हैं, जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। 80 के दशक को निर्देशक पर्दे पर साकार करने में कामयाब रहे हैं। असीम अरोरा और परवेज शेख के चुटीले डायलॉग फ्रंट बेंचर्स को सीटी और तालियां मारने पर विवश कर देते हैं। फिल्म की एडिटिंग इंटरवल के बाद अपनी कसावट दर्शाती है। बैकग्राउंड स्कोर और कास्टिंग फिल्म प्लस पॉइंट है। फिल्म में तनिष्क बागची, अमान मलिक और गुरमाजर सिंह का संगीत है, मगर सखियां गाने के अलावा और कोई गाना याद नहीं रहता। इस तरह की एक्शन थ्रिलर में संगीत पक्ष मजबूत होता तो बात सोने पर सुहागा वाली साबित। अक्षय कुमार एक बार फिर अपने हीरोइक अंदाज में नजर आते हैं। एक लंबे अरसे से वे इस तरह की देशभक्ति वाले किरदार में नजर आते रहे हैं। वे इस तरह की देशभक्ति वाली फिल्मों के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इन किरदारों में उनकी सहजता देखते बनती है, मगर इस बार उन्होंने अंशुल मल्होत्रा उर्फ बेल बॉटम के चरित्र को अपनी विशिष्ट शैली से अलग अंदाज में परोसा है। पर्दे पर उन्हें रॉ एजेंट के रूप में देखना थ्रिल देता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में लारा दत्ता फिल्म का सरप्राइज पैकेज साबित हुई है। उनके प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ उनकी भाव भंगिमाएं किरदार को यादगार बना ले जाती हैं। नायिका के रूप में वाणी कपूर अपनी मौजूदगी दर्ज कर ले जाती हैं और साथ ही उनके चरित्र से जुड़ा ट्विस्ट क्लाइमैक्स में चौंका। हुमा कुरैशी को पर्दे पर ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला, मगर इसके बावजूद वे छाप छोड़ जाती हैं। अभिनेता आदिल हुसैन ने हमेशा की तरह अपने अभिनय से फिल्म को समृद्ध किया है। कुछ भीगे अल्फाज फेम एक्टर जैन खान दुर्रानी ने आतंकी की भूमिका के साथ न्याय किया है। सहयोगी कास्ट कहानी को बल देती है। इस मूवीज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाए। ऐसे ही न्यू मूवीज की जानकारी रखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।